भागलपुर में कोरोना का वैक्सीन लेने के लिए चयनित स्वास्थ्य कर्मियों में बेहद ही उत्सुकता देखी गई। वहीं भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सिंह ने सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में वैक्सीनेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके साथ ही जिले भर में बनाए गए 8 सरकारी अस्पतालों में और 2 निजी अस्पताल में वैक्सीन देने का काम शुरू हो गया। रेफरल अस्पताल नाथनगर में GNM पिंकी कुमारी ने कोरोना का पहला टीका लिया। वहीं टीका लेने के बाद पिंकी कुमारी ने कहा कि वह बेहद ही सुखद अनुभूति कर रही हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे सस्ता टीका बनाकर और सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाकर भारत ने दुनिया में अपना लोहा मानने के लिए सभी को मजबूर कर दिया है। वहीं दूसरी ओर टीकाकरण के पूर्व अस्पतालों में पीएम मोदी के संबोधन को प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रसारित किया गया था। यही नहीं, अस्पताल कर्मियों ने पीएम मोदी के संबोधन को भी सुना, लेकिन इस दौरान कई स्वास्थ्य कर्मियों के मुंह से मास्क नदारद थे। कोई सामाजिक दूरी भी नहीं देखी गई, जबकि अपने संबोधन में पीएम मोदी और एक और जहां वैक्सीन को लेकर देशवासियों को बधाई दे रहे थे और बार बार सभी से सामाजिक दूरी का पालन करने और मुंह पर मास्क लगाने की अपील कर रहे थे। पीएम ने कहा कि दवाई भी और कड़ाई भी, लेकिन स्वास्थ्य कर्मी इतने उत्साहित थे कि उन्होंने पीएम की अपील को भी नजरअंदाज कर दिया। ब्यूरो न्यूज बिहार के लिए भागलपुर से अजित कुमार की रिपोर्ट। गर्व की बात है, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सबको यही कहूंगी कि किसी को डरना नहीं है, आराम से इंजेक्शन ले, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो और अपने आप को हिम्मत बनाए रखे ताकि दूसरे को भी सपोर्ट करना चाहिए ताकि उसका भी मन बने रहेगा और इंजेक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस समय आप टीका लेने जा रहे थे उस समय कैसा लग रहा था टीका, और टीका लेने के बाद कैसा लग रहा? पहले भी मुझे उतनी ही खुशी हो रही थी, आज लेने के बाद भी उससे ज्यादा खुशी हो रही है कि मैंने इंजेक्शन लिया और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सबसे पहले फ्रंट लाइन पर काम करने वाले आप लोग हैं और आपको पहला टीका के लिए चयनित भी किया गया है, क्या कहकर वो? मैं उनको धन्यवाद कहूंगा, थैंक यू कहेंगे, हम लोग के बारे में उसने सोचा और हम लोग के साथ भी दे रहे हैं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको मेरा संदेश दे दीजिए कि वो हम लोग के लिए बहुत कुछ अच्छी चीज सोचे जो हम लोग इंजेक्शन लिए, ताकि अगर मैं अच्छी रहूंगी तो मैं हर पेशेंट का मैं अच्छे से केयर कर सकती हूँ और उसे मैं सलाह दे सकती हूँ। जिसमें कोरोना का महामारी चल रहा था, काफी सारा अपने पेशेंट को देखा होगा, आपको लग रहा था भारत पहला टीका बना लेगा, इतना सस्ता टीका बनाएगा? बिल्कुल लग रहा था, जब ये पूरा फैला हुआ तो मुझे लग रहा था ये इंजेक्शन चलेगा और सबको भी पड़ेगा। और मैंने इस कोरोना में एक दिन भी एब्सेंट नहीं हुआ, मैंने ईमानदारी से ड्यूटी किया और मैंने ये नहीं सोचा कि मैं बचूंगी और मैं दूसरे को नहीं बचाऊंगी, मैं बच के रहूंगा ताकि मुझे बीमारी हो जाएगा, मगर मैंने ये कभी नहीं सोचा। मैंने दिल से सबका सेवा किया। और लोग क्या कहना चाहेंगे आप जो कि स्वास्थ्य कर्मी नहीं है या फिर अन्य लोग हैं वो भी टीका ले, किस तरह का क्या संदेश क्या देंगे? मैं संदेश आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है मोदी जी के द्वारा पूरे देश में इसका उद्घाटन हुआ है, नाथनगर में भी उद्घाटन हुआ है और इसी के अंतर्गत वैक्सीनेशन कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। इसमें फर्स्ट जो वैक्सीन लगाया गया है वो GNM है, पिंकी कुमार, और इसके बाद सारी व्यवस्थाएं यहाँ है। वैक्सीनेशन के बाद ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है, वहाँ पर भी सारी व्यवस्थाएं हैं, सारा किट उपलब्ध है। एडवर्स पोजीशन के लिए 2 बेड लगाए गए हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है और विभिन्न प्रकार की जो दवाइयाँ होती हैं वो भी उपलब्ध है। इसके बाद वेटिंग रूम बनाया गया है, ऑब्जर्वेशन में आधा घंटा जिसको वैक्सीन लगेगा उसको आधा घंटा तक उसका ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। कितने लोगों का टीकाकरण होना है? आज 100 लोगों का टीकाकरण होगा सर। वो 100 जो टीका एक्स्ट्रा जो स्टाफ होगा उसको यहाँ से हटवा दीजिए सर, बस यहाँ 2 है अंदर, कोई नहीं।
आपके भीतर प्रशिक्षित लोगों का ये था कि हम कोविड का वैक्सीनेशन का जो कि हम लोग बहुत 9 महीने से इंतजार कर रहे थे कि हमारे देश में टीका बने और टीका लगे, उसकी आज प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत शुरुआत हुई और हम लोग यहाँ पर सदर अस्पताल में इसको कार्यक्रम का शुरुआत किए हैं। 100 आदमी का हम लोग आज देने का टारगेट है, सभी को मैसेज दिया गया है, सभी को बुलवा के यहाँ बैठाया गया है, स्क्रीनिंग करते हुए सभी को आज टीका लगाएंगे हम लोग। और अभी आपने देखा होगा, अभी हमने टीवी पर देखा, एम्स के डायरेक्टर साहब गुलेरिया साहब ने भी टीका लगवाया। ये जो भ्रांति मन में फैलाई गई है लोगों द्वारा, किसी के द्वारा, ये मिथ्या है, इसे डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग खुद लगवाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग को आज ऑर्डर नहीं है लगवाने का, हम लोग परसों लगवाएंगे और आज जो है जिनका नाम है सबको लगवा रहे हैं। आज पहला किसका लगाया सर? अभी देवाशीष कुमार पांडे हमारे डाटा ऑपरेटर हैं, उन्होंने आज लगवाया, आप लोगों ने देखा होगा, फोटो भी खींचा होगा। जिले में अभी जिले में कितने सेंटर बनाया गया सर टीका का? अभी जिले का नहीं बता सकता, मैं जिले का इंचार्ज नहीं हूँ, मैं सदर अस्पताल का इंचार्ज हूँ। यहाँ शहर में 3 जगह पर है, मंगलम और एक रक्षिता नर्सिंग होम और मेडिकल कॉलेज का तो अलग है। मेडिकल कॉलेज सर सबसे पहले अलका देवी को लगना था, वो नहीं है? नहीं नहीं, अलका देवी को नहीं, देवाशीष पांडे को हम लोग लगवाया। नाम लिस्ट में चार्ट में भले हो, लेकिन हम लोगों ने देवाशीष पांडे का पहला करवाया। इच्छा जताई कि हमारा हो, तो उनको हम लोग किए, क्योंकि वो बहुत मेहनत किए हैं पूरे कोरोना में,